प्रांत में तबाही मचाने में जुटा है तालिबान। हेलमत में पुराने किले को ढा रहा है तालिबान। ऐतिहासिक किले को ढहाकर मदरसा बनाने की तैयारी में है तालिबान। तैमूर रंग और उसके साथ ही दुरानी शासकों से ये किला जुड़ा हुआ है। ग्रिश्यक में तैमूर ने अपना पैर यहाँ पे गवाया था, लेकिन अब तालिबान इसको हटाने में लगा हुआ है, ढहाने में लगा हुआ है। ऐतिहासिक किला इसको माना जाता है, अब मदरसा बनाने की तैयारी में ये तालिबान जुटा हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तैमूर लंग और दुरानी शासकों से जुड़ा हुआ है ग्रिश्यक का ये किला, ऐतिहासिक किला इसको माना जाता है। लेकिन अब ग्रिश्यक में तैमूर ने अपना पैर भी यहाँ पे गवाया था, ये भी जानकारी मिल रही है। अब यहाँ पे मदरसा बनाने की तैयारी और इसको ढहाने की ये तस्वीरें सामने आई है। तो आपको बता दें कि ऐतिहासिक इमारतों को ढहाने का फरमान सुना दिया है तालिबान ने, और किला ढहाकर मदरसा बनाने की हर तरफ तैयारी है। तस्वीरें आप देखिए, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको गिराया जाएगा और फिर उन पर मदरसा बनाया जाएगा। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है काबुल से, जहां तालिबान और आईएसआईएस खुरासान के बीच जंग अब और तेज हो चुकी है। काबुल के पास रॉकेट से हमले किए गए हैं। चवतले सब स्टेशन को निशाना बनाया गया है, हमलों से काबुल दहल उठा। ये वही आईएसआईएस खुरासान है जिसने 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमले किए थे। बता दें आईएसआईएस खुरासान और तालिबान के बीच कट्टर दुश्मनी है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और आईएसआईएस खुरासान की अदावत और गहरी हो गई है। तालिबान के खिलाफ आईएसआईएस खुरासान का रॉकेट से हमला, काबुल के चवतले सब स्टेशन पर आईएसआईएस ने हमला किया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे हमला किया गया आईएसआईएस खुरासान के हमले से। अब आपको बता दें तालिबानी सरकार सख्ते में आ गई है। काबुल में चले आईएसआईएस के रॉकेट, सुसाइड बॉम्बर के बाद रॉकेट अटैक। तालिबान से बदला निशाने पर प्लांट, शैतानों की जंग में मिटेंगे शैतान। अफगानिस्तान में अब शैतानों की जंग और तेज हो गई है। आतंकियों के सिर फुटव्वल की ये ताजा तस्वीरें हैं जो काबुल से कल देर रात सामने आई। चमतलेह पावर स्टेशन को निशाना बनाकर एक के बाद एक रॉकेट दागी गई, जिसके बाद पावर स्टेशन धू धू कर जलने लगा। रॉकेट अटैक के पीछे आईएसआईएस खुरासान का हाथ बताया जा रहा।